ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में डी ब्रॉगली की वेव्स है। डी ब्रॉगली कहता है देखो ऐसा है, आइंस्टाइन ने कहा कि रेडिएशन हैं, फोटोन्स हैं, और अगर फोटोन्स आते हैं तो उसको वेव नेचर या पार्टिकल नेचर की ट्रीटमेंट दी जा सकती है अकॉर्डिंग टू फिनोमेना। उसने कहा जी ग्रेट सिमेट्री नेचर है, नेचर तो सिमेट्री वैसी लाइक करती है। तो कह रहा है ये थ्योरी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पे भी, मूविंग प्रोटॉन्स पे भी, मूविंग न्यूट्रॉन्स पे भी, पार्टिकल मैटर पे लग सकती है। तो जैसी फोटोन पे लग सकती है, कहता है जी मैं तो पार्टिकल पे लगाऊंगा। तो पार्टिकल जब मूव करेंगे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब मूव करती है, तो उसकी दो नेचर है, वो वेव की तरह भी काम कर सकती है और पार्टिकल की तरह भी काम कर सकती है। ये थ्योरी डी ब्रॉगली ने निकाली आइंस्टाइन की थ्योरी से थी। तो आइंस्टाइन ने जो किया तो 1924 में, 1905 में आइंस्टाइन ने काम किया था, 1924 में डी ब्रॉगली ने एक बोल्ड हाइपोथेसिस रखा। हाइपोथेसिस उसकी एक मानना था ये क्या कि मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टी। उसको लगता था कि जैसे फोटोन होता है ऐसी पार्टिकल्स के साथ भी ऐसा होता है। तो उसने थ्योरी रखी। हिज रीजनिंग वॉज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। उसने कहा कि इसलिए मेरे को ऐसा लगता है, उसको लगता है टू फिजिकल क्वांटिटीज दैट गवर्न द यूनिवर्स इज मास एंड एनर्जी। वो कहता है जी आइंस्टाइन ने कहा था दो ही चीज़ें हैं इस दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में, या तो मास है या एनर्जी है। तो मास गायब हो गया, एनर्जी बन गई, एनर्जी से मास बन गया, बस यही चीज़ें चलती रहती हैं। फ्रॉम आइंस्टाइन की थ्योरी उसने कहा देयर इज अ ग्रेट सिमेट्री बिटवीन मैटर, मास एंड रेडिएशन। तो रेडिएशन में फोटोन्स और मैटर में इलेक्ट्रॉन्स या जो भी पार्टिकल है उनमें सिमेट्री है। नेचर लव सिमेट्री सिंस रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर। वो कहता है जैसे आइंस्टाइन ने कहा था रेडिएशन में फोटोन्स जब आते हैं तो उसकी दो नेचर होती है, देयरफॉर फ्रॉम सिमेट्री डी ब्रॉगली ने प्रेडिक्ट किया था मैटर वेव ऑल्सो हैज ड्यूअल नेचर। मैटर वेव की भी दो नेचर होनी चाहिए। तो वेव्स अगर मान लो मैटर वेव जाती है, मैटर वेव का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन की वजह से जो वेव कितना काम करे उसको मैटर वेव बोलते हैं। तो ऐसी वेव को मैटर वेव बोलते हैं, और ऐसी वेवलेंथ को जो वो वेव की तरह काम करेगी और वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगी उस वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ बोलते हैं, और उन वेव्स को डी ब्रॉगली की वेव या मैटर वेव बोलते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक? तो डी ब्रॉगली ने भी सेम रिजल्ट बनाया। अब डी ब्रॉगली की एक वेव इक्वेशन, डी ब्रॉगली ने कहा देखो हम एक इक्वेशन बनाते हैं। डी ब्रॉगली ने कहा कि काम करते हैं हम आइंस्टाइन की थ्योरी से काम करते हैं। आइंस्टाइन ने हमें यह बताया था कि एक फोटोन ले लो, हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे अभी, डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन की कोई बात नहीं कर रहा, वो तो कह रहे हैं फोटोन से काम करते हैं, पहले आइंस्टाइन की सुनते हैं। आइंस्टाइन ने कहा कि फोटोन ले लेते हैं एक ईएम वेव की जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी, एच न्यू। कहते मान लेते हैं फोटोन का मास एम है, क्योंकि वो इसलिए मानना चाहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन का मास होता है। कहते अगर फोटोन का मास एम है तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन की ही इक्वेशन एनर्जी कॉरस्पॉन्ड टू मास एम इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट करके फ्रीक्वेंसी को सी बाय लैम्डा पुट कर देते हैं, सी से सी कैंसिल, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाती है, लैम्डा की वैल्यू एच अपॉन एम सी आती है, एम इंटू सी के मोमेंटम है। अब ये लैम्डा किसका निकला, ये लैम्डा किसका निकला, फोटोन का, क्योंकि पूरी थ्योरी किस पे चल रही है, फोटोन पे, कोई डाउट इसमें? तो फोटोन की थ्योरी बन गई। अब डी ब्रॉगली कहते हैं एक काम करते हैं, अपने हाइपोथेसिस को लेके आता है वो, और वो बोलता है देखो आइंस्टाइन की बात सही है, ये फोटोन की वेवलेंथ है, तो एक काम करते हैं मटेरियल पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन्स का भी तो कोई मास होता है m, ठीक है वो c के साथ मूव नहीं करते, वो v के साथ मूव करते हैं, करने दो। तो क्योंकि ग्रेट सिमेट्री है, जो फोटोन का रिजल्ट है वो कहता है इनके ऊपर लगा दो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन के ऊपर, तो फॉर्मूला क्या होगा लैम्डा का, एच वन पी, जैसे फोटोन का निकाला ऐसे ही उसने इलेक्ट्रॉन का निकाल दिया। बस फर्क यह है कि p की वैल्यू यहाँ पर mc नहीं होगी, p की वैल्यू यहाँ पर m into v होगी, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी लोगे, और v का मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो भी लोगे। तो ये वेवलेंथ आ गई किसकी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गई किसी भी मैटर पार्टिकल की, बिल्कुल सेम कॉपी कर दिया, जो फोटोन नहीं गया कहता जी सेम कॉपी पेस्ट हो गया मेरा, तो नाम है उसका यार, उसने सोचा और ये आंसर आ गया। तो डी ब्रॉगली की इक्वेशन से ये पता लगा कि जो मैटर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसका जो लैम्डा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है। अगर पार्टिकल रेस्ट पे है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, तो लैम्डा मोमेंटम जीरो हो जाएगा, लैम्डा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब अगर पार्टिकल रेस्ट पे है उसका लैम्डा डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वो मूव करेगा तभी लैम्डा डिफाइन करोगे, जब मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि डी ब्रॉगली कहा था मूविंग मैटर प्रोड्यूसेस लैम्डा, रेस्ट पे पड़ा हुआ पार्टिकल जो है वो लैम्डा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो नॉट डिफाइंड है। तो वो कह रहा है टू बी एसोसिएटेड विद डी ब्रॉगली वेव,
अ पार्टिकल नीड नॉट हैव अ चार्ज, तो कह रहे डी ब्रॉगली की वेवलेंथ के लिए लैम्डा एच अपॉन पी के लिए चार्ज कहीं काम नहीं आ रहा, चाहे इलेक्ट्रॉन है चाहे प्रोटॉन चाहे न्यूट्रॉन के लिए भी वैलिड है ये रिजल्ट। डी ब्रॉगली वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि डी ब्रॉगली की वेवलेंथ वो कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर नहीं हो सकती, ये जो वेव प्रोड्यूस करेंगे ईएम वेव नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि ईएम वेव प्रोड्यूस करने के लिए एक्सेलरेटिंग चार्जेस चाहिए, और डी ब्रॉगली की वेवलेंथ में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो भी आंसर तो आता ही है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी, तो वी कांस्टेंट है तो लैम्डा कांस्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में लैम्डा वी कांस्टेंट अलाउड नहीं है, एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं।